Good morning, everyone. Today I am going to start chapter 12. Kali Kal Sarvagyo Hemchandracharya. Kali Kal yani time se, purane kalyug se ya purane time se, sarvagya yani janne wale, omniscient, right? Hemchandracharya. To aaj hum Hemchandracharya ka ye jo section hai, usko prose section hai ye, usko hum padhenge. ये जो थे स्टूडेंट्स वो गुजरात के थे हेमचंद्र आचार्य. उसके बारे में मैं आपको उनका कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी. आचार्य हेमचंद्र वॉज अ जैन स्कॉलर, राइट. ही इज पोएट हु रॉट ऑन ग्रामर, फिलोसॉफी एंड प्रोज सेक्शन इन एंड इन हिस्ट्री, राइट. ही वॉज बॉर्न इन दंडुका गुजरात एंड वॉज नेम्ड चंद्रदेव बाय हिज पेरेंट. एट द एज ऑफ 21 ही वॉज एन आचार्य ऑफ द श्वेतांबर जैनिज्म. वॉज गिवन द नेम हेमचंद्र, राइट. तो इस तरह से यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे रखा है गुजराती में. अगर आपको पढ़ना गुजराती आता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन बता दिया है, राइट. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो हेमचंद्र आचार्य है उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. विक्रमस्य द्वादश्याम शताब्द्याम सिद्धराजः जयसिंहः मालवविजयम् कृतवान्. विक्रमस्य यानी विक्रम राजा विक्रम आदित्य की द्वादश्या, इट मीन्स 22 द्वादश का मतलब होता है 12th सेंचुरी. शताब्दी मीन्स सदी मीन्स सेंचुरी. 12th सेंचुरी सिद्ध राजा यानी उस 12th सेंचुरी में सिद्ध राज जय सिंह ने मालव विजयम कृतवा यानी मालव प्रदेश पर विजयम कृतवा यानी विजय प्राप्त की थी. इट मीन्स विक्र, इसको ये जो चैप्टर है थोड़ा डायरेक्ट अगर मैं आपको इंग्लिश में उसका मीनिंग बता दूंगी तो हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए. हर बार हम ये करते हैं कि पहले मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताती हूँ, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ, फिर अगेन मैं आपको उसका इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन बताती हूँ, राइट. बट ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है जिसको मैं पहले आपको ईजी टू हाई में ले जाऊँगी, टफ में ले जाओ. पहले आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि इसको आप हिंदी में सुनो, हिंदी में समझ लो, इसके बाद मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके भी दूंगी, राइट. तो विक्रमस्य द्वादश्या यानी कि विक्रम आदित्य की द्वादश्या यानी द्वादश का मतलब होता है 12th सेंचुरी यानी कि 12वीं सदी में सिद्धराज विजय जय विजय यानी कि सिद्धराज जय सिंह जो था उसने मालव प्रदेश पर विजयम कृतवान यानी विजय प्राप्त की थी, राइट. तो अब उसका आप ट्रांसलेशन देखिए. ये आपको आई होप धीरे धीरे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि जब हम जूम मीट पर चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से कर लेंगे. सिद्धराज जय सिंह कंक्वर्ड मालव इन द 12th century of the era started by Vikramaditya, right? Vijayantaram, यानी विजय प्राप्त होने के बाद जय सिंह नृपते यशोवर्मण सर्वं धनं गृहीत्वा अनहिलपुरम प्रत्यागतवान. विजयांतरम यानी कि विजय के बाद जब सिद्धराज जय सिंह की मालव प्रदेश पर विजय हो गई उसके बाद अंतरम यानी उसके बाद जय सिंह नृपते यानी राजा जय सिंह जो जय सिंह थे वो नृपते यशोवर्मा यानी जो राजा यशोवर्मा थे उनका सर्वम यानी सारा धनम यानी धन वेल्थ मनी ग्रहित्वा यानी टेकिंग ले करके अहनिलपुर प्रत्यागतवान यानी अहनिलपुर में वापस आ गए. यानी इस लाइन का मतलब ये होता है कि विजय होने के बाद में जय सिंह राजा यशोवर्मा का सारा धन ले करके अहनिलपुर वापस आ गए, राइट. विजयांतरम जय सिंह विजय के बाद में यानी अपनी जीत के बाद में यानी मालव
देश पर जो जीत हुई थी उसके बाद जय सिंह ने क्या किया, नृपते यानी जो राजा यशोवर्मन थे उनका सारा धन ले करके अहनिलपुर, ये प्लेस का नाम है अनहिलपुर, वहाँ पर प्रत्यागतवान यानी वापस वहाँ पर आ गए, राइट। आफ्टर द कंक्वेस्ट जय सिंह रिटर्न टू अहनिलपुर टेकिंग ऑल द वेल्थ ऑफ द किंग यशोवर्मा विथ हिम, उनके साथ में वापस आए, उनको ले करके आए, राइट। तो आई होप आपको इतना ये जो चार लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथगारो अपि तस्य हस्तगतो जातः। धनेन यानी उस पैसों से, उस धन से, उस धन से तत्रत्य वहाँ का कहाँ का, अनहिलपुर का, यहाँ पर ये जो प्लेस दी है अनहिलपुर वहाँ का, तो धन से वह धन के साथ, सह यानी के साथ, विथ वेल्थ और विथ मनी, राइट, तत्र वहीं पर ग्रंथगार, ग्रंथगार का मतलब है ग्रंथ का भंडार, ग्रंथ यानी जो एपिक्स, जो बुक्स होती है, जो भगवान की जो धार्मिक पुस्तकें होती है इसको बोलते हैं हम ग्रंथ, तो ग्रंथ का भंडार यानी कलेक्शन जो था वहाँ पर तस्य हस्तगत हो जाता है, उसके हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया, ये राजा जयसिंह के हाथ में आ गया, राइट। तो क्या हुआ, राजा जयसिंह ने जब उसको पैसा, उस इसके पैसे ले करके, सारे पैसे जब ले लिए और जब वो वापस अनिलपुर आया, तब वहाँ पर जब आया तब उसको ग्रंथ का जो भंडार था वो उसके हाथ लगा, यानी कि बहुत सारे ग्रंथ वहाँ पर थे जो उसको मिले या उसके हाथ लगे। तो फिर से इसका मीनिंग देखिए, धनेन सह तत्रत्य ग्रंथगारो अपि तस्य हस्तगतो जातः, इट मीन्स विद द वेल्थ इवन द लाइब्रेरी दैट वॉज देयर हैंड फॉलन इन टू द पोजेशन, राइट, इन टू द पोजेशन इट मीन्स इन हीज हैंड, ओके, तो उसके हाथ में आ गया। अस्मिन् ग्रंथगारे बहवः अनुपमा ग्रंथा आसन, अस्मिन् यानी उन ग्रंथों में, किन ग्रंथों में, जहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ की बुक्स थी उन ग्रंथों में, बहवः यानी बहुत, मैनी, ओके, उन ग्रंथों में कई सारे अनुपम यानी यूनिक, जिसकी किसी से आप कभी तुलना ही नहीं कर सकते, आप किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते, वैसे इनकम्पेरेबल ट्रिटीज यानी जो ग्रंथ थे वो वहाँ पर थे। वो जो बहुत सारे ग्रंथ का भंडार था उसमें से कुछ यानी बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ थे जिसका आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी की तुलना नहीं कर सकते, उतने अतुलनीय यानी कि इनकम्पेरेबल थे, राइट। तो फिर से इसका मीनिंग देखिए, अस्मिन् ग्रंथगारे बहवः अनुपमा ग्रंथा आसन, यानी इन दीज लाइब्रेरी देयर वर मैनी इनकम्पेरेबल ट्रिटीज, एमंग देम यानी उनमें से, तेषु भोजेन विरचितं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धं भोज व्याकरणम अपि एकतमम आसीत्। तेषु यानी उनमें से, राइट, किन में से, जो बहुत सारे अतुलनीय ग्रंथ थे उनमें से, भोजेन विरचित यानी जो भोजराज ने रचा था या भोजराज ने जो लिखा था, वो भोजराज के द्वारा रचा हुआ सरस्वती कंठाभरण, ये एक नाम है, ये बुक का नाम है, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सरस्वती कंठाभरण नाम का, तो सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध यानी फेमस भोज व्याकरण भी एक था, एक तमम आसित यानी उनमें से भोज ने एक सरस्वती कंठाभरण नामक प्रसिद्ध व्याकरण लिखा था, वो भी उसमें था। किसमें था, वो जो ग्रंथों का वहाँ पर भंडार था और उसमें से बहुत सारे अतुलनीय भंडार थे, उसमें से भोज ने जो सरस्वती भंडारण नाम का एक उन्होंने लिखा था, जो रचना की थी, वो एक काव्य वहाँ पर था, ओके। सो अगेन ट्रांसलेशन देखिए, एमंग देम वन वॉज ऑल्सो भोज व्याकरण अ वर्क ऑन ग्रामर फेमस बाय द नेम सरस्वती भंडारणम कंपोज्ड बाय किंग भोज,
राइट। तो ये पैराग्राफ जिसको मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने क्लास में कराया था तो कुछ बच्चों को ये एक बार में समझ में नहीं आया था, इसलिए इस चीज़ को हम रिपीटेडली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर फिर से देखिए, मैं आपको उसका मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्लोसरी सब कुछ बता दे रही हूँ। फिर से इसका पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। और अब जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अपना मोबाइल, ईयरफोन लगा के मोबाइल साइड में रख दीजिए, वीडियो को सुनते जाइए और टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए। तो टेक्स्ट बुक के पास अपनी पेंसिल को मूव करते जाइए, जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ वैसे वैसे आप पेंसिल को मूव करते जाइए और उसको वन बाय वन सेंटेंस जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझो। आपको मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी दिखा नहीं रही हूँ जो आपको अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ या कुछ एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर जो आपका चैप्टर है उसी को अपने वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चैप्टर तो आपका आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप सिर्फ वीडियो में ये सेंटेंस सुन के समझोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। आप ईयरफोन लगा दो, टेक्स्ट बुक हाथ में रखो और पेंसिल से उसको समझते और सुनते जाओ। मोबाइल को ईयरफोन लगा के चालू रख के साइड में रख दो, सुनते जाओ, समझते जाओ और उसको फिंगर से या पेंसिल से मूवमेंट करके आप उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। तो अगेन देखिए, विक्रमस्य द्वादश्याम शताब्द्याम सिद्धराजः जय सिंह मालव विजयम कृतवान, यानी विक्रम आदित्य की 12वीं शताब्दी में, विक्रमादित्य की 12वीं शताब्दी में यानी कि 12th century में सिद्धराज जय सिंह ने मालव पर विजय प्राप्त की। राइट, सिद्धराज जय सिंह, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में आप सिर्फ जय सिंह ऐसे ही बोलेंगे, विसर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धराज जय सिंह कंक्वर्ड द मालव इन द 12th century ऑफ द एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य। राइट, देन विजयांतरम जय सिंह नृपते यशोवर्मण सर्व धनम गृहीत्वा अनहिलपुरम प्रत्यागतवान, यानी विजय के बाद में जब उनकी विजय हो गई उसके बाद में जय सिंह राजा यशोवर्मण के साथ उनका पूरा धन ले करके अनहिलपुर वापस आ गए। ओके, आफ्टर द कंक्वेस्ट जय सिंह रिटर्न टू अनहिलपुर टेकिंग ऑल द वेल्थ ऑफ द किंग यशोवर्मा विद हिम, धनेन सह तत्रत्य ग्रंथगारो अपि तस्य हस्तगतो जाता, धन के साथ में उन्हें वहाँ पर ग्रंथ का जो भंडार था वो उनके हाथ लगा। राइट, विद द वेल्थ इवन द लाइब्रेरी दैट वॉज देयर हैड फॉलन इन टू द पजेशन। राइट, अस्मिन् ग्रंथागारे बहवो अनुपमा ग्रंथ आसन। राइट, तो उस ग्रंथगार में यानी उस ग्रंथ के भंडार में बहुत सारे अनुपम ग्रंथ भी थे। इन दीज लाइब्रेरी देयर वर मैनी इनकम्पेरेबल ट्रिटीज। ओके, तेषु भोजेन विरचितम सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम भोज व्याकरणम अपि एकतमम आसीत, उनमें से भोज ने रचा हुआ सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध व्याकरण भी वहाँ पर था। Among them, one who was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharan, composed by King Bhoj. Right? तो I hope आपको अब ये paragraph clear हो गया होगा। इसका एक और paragraph हम पढ़ेंगे students, क्योंकि इस chapter को मैं आज पूरा, वैसे ये छोटा है सिर्फ, इसमें 4 पैराग्राफ है, अगर हम चाहें तो ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो सकता है, बट मुझे ये लगता है कि इस चैप्टर को मैं आपको थोड़ा थोड़ा सर्व करूं ताकि आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं। राइट, सर्व करूं मींस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं जिससे आप डाइजेस्ट कर पाएं, इट मीन्स आप उसको अच्छे से समझ सकें और अपने दिमाग में उसको उतार सकें। राइट, तो इस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ ना लगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर
इजी लगे और आपको भी अच्छे से, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 से 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी मैं इसमें रिपीट कर रही हूँ, और 2 बार अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 1-2 बार और देखोगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये बताना चाहूँगी कि जो जो चैप्टर बोर्ड्स ने कट किए हैं, 30% जो आपका कट ऑफ हुआ है सिलेबस, वो भी मैंने आपको जूम मीट पे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो वाला क्लास मिस कर दिया है तो फिर से जूम मीट पे मैं उसको बार बार बताती रहूँगी ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से चैप्टर आपके कट हुए हैं और कौन कौन से आने वाले हैं, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि एकदा सिद्धराज विचार प्रथम आरूढ़, तब एक बार सिद्धराज के, सिद्धराज कौन थे, जयसिंह, राइट, सिद्धराज जयसिंह। तो एक बार सिद्धराज को विचार प्रथम आरूढ़ यानी कि विचार आया, विचार के पथ पर चलना का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि दिमाग में विचार आना। तो एकदा सिद्धराज विचार प्रथम आरूढ़, एक दिन उसको विचार आया, इट मीन्स वंस सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग, एक दिन उसने सोचना स्टार्ट किया। क्या सोचना स्टार्ट किया, सह अचिंतयत, उसने सोचा, उसने किसने, सिद्धराज जयसिंह ने, राइट। तो ही थॉट, सह अचिंतयत यानी कि ही थॉट, उन्होंने सोचा, मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वम प्राप्तवान, यानी कि मालव प्रदेश की विजय से मैं धन का स्वामी यानी मुझे धन मिला है और उसका स्वामित्व भी मिला, यानी कि उसका जो हमारी बोलते हैं ना मालिकी, हमको उसका जो राइट होता है वो भी, उसका अधिकार, यानी कि मुझे राजा वहाँ का, मुझे राजा भी बनाया गया और वहाँ का मुझे धन भी मिला है, यानी मालव विजय से अहम धनस्य स्वामित्व, उसके धन से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है, राइट। तो वन सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग, ही थॉट, आई सिक्योर द ओनरशिप ऑफ द वेल्थ बाय कंक्वेरिंग मालव, ओके, तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्त, और वहाँ का जो ग्रंथ भंडार है वो भी मुझे मिला, यानी कि वहाँ का धन तो मुझे मिला, वहाँ का स्वामित्व मुझे मिला और वहाँ का जो ग्रंथ का भंडार है वह भी मुझे मिला। आई ऑल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी, ओके। आगे वो सोचते हैं कि परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कृति वर्तते तादृशी कृति मया न प्राप्त, यानी कि वहाँ का ग्रंथ का भंडार मुझे मिला, परंतु बट लेकिन भोज व्याकरणेन, जो भोज के व्याकरण से, यानी भोज ने जो व्याकरण रचा था, भोज मीन्स कौन, राजा भोज, तो उन्होंने जो व्याकरण की रचना की वैसी भोज की कृति, यानी उन्हें जो यश मिला, उन्हें जो फेम मिला, तादृशी यानी वैसी या वैसा कीर्ति यानी फेम या फेमस होना या यश न मया न प्राप्ता, मुझे नहीं मिला, यानी कि मुझे धन मिला, स्वामित्व मिला, ग्रंथ का भंडार मिला, लेकिन राजा भोज को जो प्रसिद्धि या उनको जो कीर्ति या उनको जो यश या फेम जो राजा भोज को मिला, वैसा वैसी कीर्ति या वैसा यश मुझे नहीं मिला, राइट। तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्त, यानी उनके ग्रंथाकार भी मुझे प्राप्त हुए, लेकिन राजा भोज के जिस तरह की उनकी कीर्ति थी, उनका जो फेम था या उनका यश था, तादृशी कीर्ति मया न प्राप्त, वैसी कीर्ति मुझे नहीं मिली, ओके, ऐसा उन्होंने सोचा। तो अगेन मैं आपको फिर से बताऊंगी कि उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने ये सोचा कि आई ऑल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी बट द काइंड ऑफ फेम दैट भोज गॉट बाय हिज ट्रीटीज, भोज व्याकरणम, हैज नॉट बीन वॉन बाय मी, राइट। अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत यादृशी भोजसती, अतः यानी इसलिए, एतादृशं किमपि, वैसा कुछ भी, करणीयम यानी करना चाहिए, यानी कि जैसा भोज ने किया, उनको जिस तरह से फेम मिला, कीर्ति मिली या यश मिला, वैसा ही, एतादृशम यानी वैसा ही, किमपि यानी कुछ भी, करणीयम यानी करना चाहिए, येन जिससे, येन का मतलब जिससे, मदीया यानी मुझे भी
कीर्तिरपि कीर्ति मिले यश मिले तादृशीम वैसी या ऋषिम जैसी भोज्यास्ती यानी भोज को मिली, यानी भोज को जैसी कीर्ति मिली उनको जैसा यश मिला मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मुझे भी यश मिले। तो फिर से इसका इस लाइन का ट्रांसलेशन बताती हूँ मैं आपको कि उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने ये सोचा कि सो आई शुड डू समथिंग लाइट इट बाय विच माई फेम विल ऑल्सो बी लाइक दैट ऑफ बोझ, राइट। तो फिर से इस पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको बताऊं एक बार। एकदा सॉरी ओके एकदा सिद्धराज विचार प्रथम आरूढ़, एक दिन सिद्धराज ने विचार किया, विचार प्रथम आरूढ़ है यानी कि एक दिन उन्होंने विचार किया। वन सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग्स सह अचिंतयत, उन्होंने सोचा ही थॉट मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वम प्राप्तवान। इट मीन्स आई सिक्योर्ड द ओनरशिप ऑफ द वेल्थ बाय कंक्वेरिंग मालव, तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्त, आई ऑल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी। परंतु व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता। इट मीन्स बट द काइंड ऑफ फेम दैट भोज गॉट बाय हिज ट्रीटीज भोज व्याकरणम हैज नॉट बीन वॉन बाय मी। अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत यादृशी भोजस्यास्ति। It means I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj, right? So students, आज ये दो पैराग्राफ ही हम करेंगे। नेक्स्ट टू भी नहीं है, छोटे छोटे से पैराग्राफ है, बट मैं चाहती हूँ कि इसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ें ताकि आप उसको अच्छे से इस कंटेंट को समझ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।